हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी और मछली की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पर देखिए अरबी को अच्छे से धो लिया है, तब इसको बॉयल कर लूँगी। तो इसके लिए हमें ढक्कन से ढका रखना है जैसे कि अरबी जल्दी से बॉयल हो जाए। यहाँ पर देखिए अरबी पक चुका है, तो अभी इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अरबी को निकालने के बाद इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको छिलका फेंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई को गैस में बिठा दिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया, तो अभी इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो अभी देखिए ऑयल को इस तरह से हिलाकर देखूंगी, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें मछली ऐड कर दूंगी। मछली में मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लिया है। एक एक मछली को इस तरीके से ऐड कर दूंगी। फिर इसको इस तरीके से पलट लूंगी, धीरे धीरे से पलटना है। ये देखिए मछली फ्राई हो चुका है, तो अभी इसको निकालूंगी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको। फिर इसी ऑयल में एक प्याज काट कर रखा है, इसको ऐड कर दूंगी और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। प्याज फ्राई हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें ऐड कर दूंगी जीरा, इसी चम्मच से 2 चम्मच। फिर ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। और अब ऐड कर दूंगी ड्राई चिली को, मैं पीस लिया है मिक्सर ग्राइंड में। चाहे तो आप इसको हरा मिर्ची भी बना सकते हैं, इसी चम्मच से 2 चम्मच। जब तक मिर्ची का कच्चापन ना रहे उतना तक इसको फ्राई करूंगी, जैसे कि मिर्ची का कच्चापन चला जाना चाहिए। अगर इसको अच्छे से फ्राई नहीं करने से कच्चापन रह जाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले। ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया, तो अभी इसमें ऐड कर दूंगी अरबी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर देने के बाद कुछ मिनट के लिए इसको ढक्कन से ढक कर रखूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी बिना ढक्कन से इसको कुछ देर तक इस तरीके से पका लूँगी।
ये देखिए ऑयल छुक चुका है, तो अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करना है। फिर इसमें देखिए मछली ऐड कर दूंगी। ये देखिए रेसिपी बनकर तैयार है। तो इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से अरवी के साथ मछली को रेसिपी तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अगर कभी भी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट रेसिपी में।